अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का आखिर मकदम है। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम जाहिल हैं? केजरीवाल के सवाल पर आज का तबसरा। अब चुनाव होने तक क्या क्या होने वाला है ये भी समझ में नहीं आ रहा। बार बार सवाल भी वही है और उसका जवाब भी पहले की तरह आज भी नहीं मिल रहा। अब तो कर्नाटक, यूपी, बिहार, गुजरात से भी आके निकल रहा है। भाजपा संघ की जानिब से नई नई तरकीबों के साथ मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही है। अब जहां कुछ न्यूज चैनलों की जानिब से ओपिनियन पोल कांग्रेस के हक में दिखाए जा रहे हैं, वही भाजपा कुछ हद तक परेशान जरूर नजर आ रही है। उत्तर भारत में जिस तरह भाजपा मजहबी ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई, दक्षिण में हिंदू मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र का खेल उतना आसान भी नजर नहीं आ रहा। खैर, रामनवमी के जरिए फसादात को कुछ रियासतों में बरपा करने की कोशिश मुल्की सतह पर की गई और फसादात को कैसे भाजपा या संघ की जानिब से मुनज्जम अंदाज में अंजाम दिया जाता है, ये भी अब तकरीबन मुल्क की आवाम को समझ में आ रहा है, समझ चुकी है। खैर, भाजपा का कोई भी मंसूबा आसानी से समझ में तो नहीं आता। ये भी सच है कि राहुल गांधी को सजा और केजरीवाल को जुर्माना, इसे क्या पैगाम भाजपा देना चाहती है, इसे भी समझने की जरूरत है और इतना अहम भी समझा जा सकता है। दोनों मामलों का पस मंजर भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी मोदी चोर क्यों होते हैं कहा था, जिस पर गुजरात अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, जबकि बयान कर्नाटक के कोलार में दिया गया था और फैसला गुजरात हाई कोर्ट से आया। इसी तरह केजरीवाल के बयान का फैसला भी गुजरात अदालत से आया। मतलब अब गुजरात की अदालत कुछ मरकजी हुकूमत पर मेहरबान नजर आ रही है। खैर, एक अलग मौजू है जिस पर अलग से तबसरा कर सकते हैं। केजरीवाल का जुर्म यह था कि केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी की डिग्री मांगी। केजरीवाल का कहना यह है कि देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे वजीर आजम का होना जरूरी है और मोदी की डिग्री नहीं है, जो मोदी की डिग्री दिखाई जा रही है वो फर्जी है, ऐसा उन्होंने कहा। और एक बयान में खुद मोदी ने भी कबूल किया है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर शुरुआत से ही देखा जाए तो बाल नरेंद्र के कारनामे अजीब है। बचपन में मगरमच्छ को पकड़ा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना शुरू किया। कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। अब तक नरेंद्र मोदी के तमाम कारनामों का कोई भी गवाह नहीं है और आपको नजर भी नहीं आएगा। ना तो बचपन में मगरमच्छ पकड़ते वक्त इसके दोस्तों ने देखा है और ना ही रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए। और फिर आगे जितनी भी डिग्रियां हासिल हुई है, ना तो इनका कॉलेज में कोई दोस्त रहा और ना कोई क्लासमेट है और ना ही इनका कोई बचपन का दोस्त। लिहाजा कभी ऐसे बयान भी मोदी ने दिए हैं कि 30 साल तक भीख मांग कर गुजारा किया। कहानी सुनाई जाती है, कभी हिमालय में जाने की बात बताई जाती है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज की किसी तरह की दलील अब तक तो नहीं मिली है। अब जब डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो किसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट पेश किए जा रहे हैं। पर अब ये भी फर्जी होने का दावा केजरीवाल की जानिब से किया जा रहा है। कुछ हद तक देखा जाए तो केजरीवाल का कहना कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने डर जाहिर किया हुआ है कि अगर अनपढ़ जाहिल वजीर आजम रहा तो देश को कैसे नुकसान हो सकता है। कोई भी अफसर किसी भी फाइल पर दस्तखत ले सकता है, क्योंकि वजीर आजम को मुल्क के हक में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। और केजरीवाल ने मोदी को अनपढ़ कहते हुए ये भी कहा कि किस तरह से इन्होंने गलत फैसले इससे पहले लिए हुए हैं। नोटबंदी का अचानक फैसला लिया गया, मतलब किसी ने गलत मशवरा दिया था जिस पर मोदी ने अमल किया और पूरे मुल्क को कतार में खड़ा किया, जिसमें भारत के आवाम को खुद के रुपए निकालने के लिए कतार लगाए धूप में खड़े होना पड़ा और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। इसी तरह लॉकडाउन हो या GST, लॉकडाउन में इसी तरह अचानक रात में वजीर आजम जहर पसीर हुए और फैसला सुनाया गया। लोग भूखे प्यासे अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े, यहाँ भी सैकड़ों लोग मारे गए। मतलब बिना किसी तैयारी के कुछ भी फैसला लेने के आदि मोदी इसलिए हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं और इसी बयान का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा भी इनका कहना है। महंगाई, बेरोजगारी ने तो अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपने बयान में इनके स्कूल न पढ़ने की दलीलें भी मिलती हैं, जैसे गटर की नाली से निकलने वाली गैस से चाय बनाई जाती है, बादलों के पीछे छिपा हवाई जहाज बादलों की वजह से रडार पकड़ नहीं पाता। इस बयान के बाद तो खुद फौज, एयरफोर्स के अफसरान भी दंग रह गए। इसी तरह से कनाडा में जो उन्होंने बयान दिया था पूरी दुनिया देख रही थी। ए प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह के कुछ कहने की कोशिश वो कर रहे थे। अब इस ज्ञान से खुद कनाडा वाले भी परेशान रहे, देखने वाली पूरी दुनिया भी परेशान रही, क्योंकि ये दुनिया वालों के लिए एक तरह का नया फॉर्मूला था। आखिर ये किस तरह का ज्ञान है, दुनिया वालों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर इतिहास यानी तारीख के बारे में भी इसी तरह फजीहत हुई है। कभी तो खुद ही रूस में राष्ट्रगीत के दौरान चलने लगते हैं। लिहाजा तमाम फजीहतों, नाकामियों को छिपाने के लिए कभी राम मंदिर, कभी हिंदुत्व का सहारा लिया जाता है।
आवाम का बढ़ता रुझान यानी कि किस तरह से क्या रुझान है इसे देखते हुए नफरती माहौल को बढ़ाया जाता है, कभी भजन पूजा पाठ की खबरों को बढ़ाया जाता है, और वैसे भी दरमियान में राम मंदिर का नैरेटिव चलाने में भी गोदी मीडिया नहीं चुकती। वजीर आजम पर उठते सवाल विपक्ष को कटघरे में खड़ा तो कर ही रहे हैं। अब तो विपक्ष के छोटे मोटे कारकुनों के पीछे भी ईडी आईटी लगाने की इत्तला हासिल हो रही है। विपक्ष के दो बड़े लीडर राहुल गांधी और केजरीवाल पर कार्रवाई इसी सियासी बदले के तहत लिया गया। कर्नाटक में भाजपा की खस्ता हालत बताई जा रही है, लिहाजा मोदी की गिरती साख और भाजपा की धर्म की सियासत से आवाम उग चुकी है। लेकिन चुनाव के बाद जब तक फैसला नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा साम दाम दंड भेद के तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है। ईवीएम मशीन से लेकर या एमएलए खरीदने तक तमाम तैयारियां भाजपा के पास रहती है। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का असर बहुत कम देखा जाता है, लेकिन भाजपा की केजरीवाल पर कार्रवाई का चर्चा पूरे मुल्क की सतह पर जारी है, और केजरीवाल के उन सवालों का भी चर्चा पूरे देश में देखने को मिल रहा है जिस पर उन्होंने वजीर आजम को अनपढ़ और जाहिल साबित करने की कोशिश की। मुल्क की तरक्की के लिए इस तरह का वजीर आजम नुकसानदेह होने का अंदेशा इन्होंने जाहिर किया। अब देखना है कि क्या वाकई बदले की राजनीति के तहत कांग्रेस के राहुल गांधी और केजरीवाल पर कार्रवाई तो की गई, क्या आवाम में इसका असर देखने को मिलेगा, या फिर पिछली बार की तरह एक बार फिर मोदी लहर या फिर मोदी ही वजीर आजम बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।